हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वीणा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा में लेकर जा रही हूँ, बंगाल की खाड़ी साइड, जहाँ से श्रीलंका 17 किलोमीटर दूर रह जाता है। और वहाँ पर मैं आपको अशोक चक्र दिखाऊंगी। और अभी मैं ऑन दी वे हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बंगाल की खाड़ी। क्या क्या ये है? अरब सागर है ना, और ये दोनों मिलते हैं अशोक चक्र से। वो भी मेरे सामने दिखा किसी को। ये है इंडिया की वाराणसी तमाम, इसके बाद में 17 किलोमीटर दूर श्रीलंका। यहाँ से भगवान राम ने सेतु बनाया लंका जाने का। सो गाइस, आपको हमारे ट्रिप ऑर्गेनाइजर सुनील भैया यहाँ के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए, यह यहाँ का बीच है और इसी बीच पर श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु बनाया था। यहाँ पर हम लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। अभी हम लोग इस बीच के अंदर जाएंगे, तो देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है वीडियो। और प्लीज़ दक्षिण भारत यात्रा की सभी वीडियोस बिना स्किप किए देखें। अभी काफ़ी सारी वीडियोस रह गई हैं, मैं एक एक करके अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग सभी वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि हमारी ट्रिप 15 दिन की थी, तो काफ़ी जगह हम लोग घूमे थे, 29 जगह, तो ये वीडियो है, तो आप बने रहें और देखते रहें हमारे साथ दक्षिण भारत यात्रा की वीडियोस। देखिए, ये मिला है इस बीच में हमें समुद्री केकड़ा। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ सुग्रीव जी के महल, तो वहाँ के बारे में मैं आपको अभी पहुँचकर फैक्ट बताऊँगी वहाँ के। तो चलते हैं हम लोग, आप भी चलिए मेरे साथ, फिर मैं आपको बताती हूँ सुग्रीव जी के महल के बारे में। वहाँ पर सुनामी आई थी, तो सुग्रीव जी का महल सुनामी में ढह गया था। तो महल ढहने के कारण उसके बाद यहाँ पर नया मंदिर बनाया गया। ये सुग्रीव जी का मंदिर है, और यहाँ पर बताया जाता है कि श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी गले मिले थे, तो इसलिए इस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर जो फॉरेनर्स होते हैं वह हमेशा भजन कीर्तन करते रहते। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहीं पर पास में एक बीच है जहाँ पर ये पत्थर है जो राम सेतु में यूज हुए, तो यह पत्थर कभी डूबता नहीं है और सर पे रखने से भारी भी नहीं लगता।